टू मोहम्मद रईस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेगमेंट है वो सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आज पहला जो होगा वो फ्लिक होगा, और उसके बाद जो बताएंगे हम आपको स्कूप किस तरीके से करते हैं। स्कूप को मैं ना ओवरहेड भी कहते हैं और उसे एरियल स्किल भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो पहला वाला जो हमारा आज का जो फंडामेंटल स्किल है वो फ्लिक। फ्रेंड्स, जो फ्लिक जो होता है हमारा, इसे ड्रैग फ्लिक के भी नाम से जाना जाता है। ये टेक्निक हम स्कोरिंग के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली, जो हमें पेनाल्टी जो मिलता है डी के अंदर, तो वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको है ना स्टेप बाय स्टेप से बताता हूँ कि ये फ्लिक होता क्या है या ड्रैग फ्लिक क्या होता है। ओके, तो सबसे पहला जो आपका काम होगा, आपकी बॉल की जो पोजिशन होगी, उससे पहले आपको अपना पोजिशन लेना है, स्टैंड लेना है, जो जिसकी बॉल और आपकी जो दूरी होगी वो 4 फीट, अगर मीटर में देखा जाए तो वो 2 मीटर की है ना दूरी होती है। तो आप इस तरीके से आप बॉल से अपना है ना पोजीशन लेंगे, ठीक है, जो कि आपका 4 फीट के दूरी पे होगा। उसके बाद इस तरीके से आपने जैसे ले लिया, तो फिर आपको है ना ये जो स्टेप जो हम कवर करते हैं वो 2 से 3 स्टेप में इसे हमें कवर करना होता है। तो इस तरीके से आप जाएंगे ये, और ये आपका जो पैर है ये बॉल के अलाइन में होगा, ठीक है, बॉल के अलाइन में होगा। फिर उसके बाद जब आप ये जो है हमारा ये फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट जो स्टेप मैंने आपको बताया है ये है। उसके बाद करना क्या है दूसरे में, जब आप ये हो जाएंगे तो आपका ये जो पैर है ये क्रॉस बना होगा, ये आपका दूसरा स्टेप होगा कि आपका जो लेग है दोनों इस क्रॉस स्टेप में होगा। इसके बाद जो आपका जो फ्रंट लेग होगा, जो आपका लेफ्ट लेग है, जिस तरीके से इस पैर को आप आगे की तरफ है ना एक्सटेंड करेंगे, जितना आप आगे को लेकर जाएंगे उसी तरीके से ये पावर जनरेट होगा, ठीक है। तो आपका ये दूसरा चीज़ है। अब इसमें फ्रेंड्स करना क्या है, जब आप इस पोजीशन में जाएंगे और ये हो जाएगा आपका, तो आप अपने बॉडी को जितना नीचे की तरफ लेकर जाएंगे बॉल के साथ, इतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, इतना ही आप नीचे से अपना बॉडी वेट ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट साइड में, और क्या कहते हैं आपको पावर जनरेट होगा। और लास्ट में जो है आपको फॉलो थ्रो पर भी ध्यान देना है, जिस तरीके से आपका फॉलो थ्रो जाएगा जिस स्पीड में, उसी तरीके से आपका बॉल फ्लिक होगा, ड्रैग फ्लिक होगा, ठीक है। तो आइए मैं करके दिखाता हूँ एक बार। इस तरीके से मैंने पोजीशन ले लिया है, ठीक है। और एक चीज़ और ये है कि आपका जो राइट वाला जो हाथ है वो इस तरीके से होगा, और ये, और आपका जो लेफ्ट हैंड है ये 90 डिग्री के पोजीशन पे होगा। देख रहे होंगे ये आपका जो ग्रिप है ये पूरा आपके राइट हैंड के साथ ये अटैच रहेगा, और ये जो आपका जो लेफ्ट वाला हैंड है ये पूरा 90 डिग्री पे होगा, इस तरीके से पूरा ये 90 डिग्री पे होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से मैंने स्टेप ले लिया है, ठीक है, और ये मैं किया, और इस तरीके से बॉल को, ये क्रॉस स्टेप है, बॉल को इस पर रोटेट करना है, फिर इस तरीके से ये होगा इस तरीके से। तो ये मैं अभी करके दिखाया हूँ, इसी को मैं थोड़ा अच्छे तरीके से स्पीड में मैं पूरे ना फॉलो थ्रू के साथ करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही सिंपली है ना स्लो मोशन में दिखाया था, एक बार और मैं दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से आप अपना पोजीशन लेंगे, फर्स्ट जो स्टेप होगा आपका, आप स्टैंड कहाँ हो रहे हैं ये आपके ना जो आपका जो लेग का जो स्टेप है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेप में इसे कवर करना चाह रहे हैं, 2 स्टेप लेना चाह रहे हैं या 3 स्टेप लेना चाह रहे हैं। मोस्टली जो एथलीट जो हॉकी प्लेयर होते हैं वो 2 से 3 स्टेप में इस स्किल को, इस टेक्निक को ना क्या कहते हैं कवर करते हैं, ठीक है। तो आप अपने है ना हाइट और लेग के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को पोजिशन लेंगे, ठीक है, और इस तरीके से आप हॉकी हैंड करेंगे। उसके बाद इस तरीके से जाएंगे और इस तरह से करते हैं, और ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप जिस तरीके से अपने बॉडी को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे जितना हो सके। उसके बाद आपको अपने फॉलो थ्रू जो है उसे भी कंटिन्यू रखना है, उसे कंटिन्यू रखना है, और लास्ट में जो बॉडी रोटेशन होता है इसे भी कंटिन्यू रखना है। इससे कि क्या है कि आपकी स्पीड में है ना इंक्रीजमेंट होगा, वो आपके बॉल को हाई स्पीड में है ना आप फ्लिक करेगा, ग्राउंड टू हाई, मतलब कि जब हम ये फ्लिक करते हैं तो क्या है कि हमारा जो बॉल के साथ हॉकी का रोटेशन तो होता है, ठीक है, बॉल क्या करता है हॉकी के स्टिक पे वो रोल करते हुए वो फ्लिक करता है, ठीक है, उसे हम किसी हाइट पे है ना क्या कहते हैं हमें रिलीज करना होता है। चल तो फ्रेंड्स, मैं जो आपको बता रहा हूँ फ्लिक करने में जो 2-4 स्टेप है वो आपको है ना थ्योरेटिकली मैं बता दे रहा हूँ, आप
तो है ना करना क्या है, बॉल से कम 4 मीटर के 4 फीट के दूरी पे है ना आपको स्टैंड लेना है। जब आप स्टैंड लेंगे तो आप जब 2 या 3 स्टेप आप कवर करेंगे उसके बाद करना क्या है कि आपका जो पैर होगा वो क्रॉस्ड होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि आपका लेग जो है दोनों एक दूसरे से क्रॉस्ड होगा। और तीसरा वाला जो है कि आप अपने बॉडी को जितना नीचे की तरफ डाउन टूवर्ड्स द अर्थ जो है ना ग्राउंड लेकर जाएंगे उतना ही आपके लिए ये फायदेमंद होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। उसके बाद करना क्या है, जब आप नीचे जाएंगे तो आप अपने मतलब कि जब इस पोजीशन में है तो आपका जो बॉल है वो हॉकी के ऊपर रोटेट करेगा और ये आपके बॉडी के साथ ही जाएगा। उसके बाद करना क्या है कि आपका जो फ्लो थ्रू है उसे है ना कंटिन्यू रखना है और लास्ट में जो आपका बॉडी रोटेट होना चाहिए, मतलब रोटेट जब करेंगे तो आपका स्पीड में वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल फ्रेंड्स आपका ये फ्लिक के लिए था। और ये फ्लिक जो हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं ये है ना स्कोरिंग के लिए होता है। और जो ड्रैग फ्लिक और फ्लिक ये दोनों एक तरह से एक ही वर्ड है, बस यही कि है ना ड्रैग फ्लिक हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो पेनल्टीज के दौरान जब स्कोरिंग करना होता है तब हमें इसे क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये सबसे पहले जो यूज़ किया गया था 1980s में ऑस्ट्रेलिया में इसे इस्तेमाल किया गया था। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वाला हमारा फंडामेंटल स्किल्स है वो है स्कूप, ठीक है। अब मैं आपको स्कूप के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। स्कूप को ओवरहेड भी कहते हैं और इसे एरियल स्किल भी कहा जाता है। अगर आपको अपोनेंट टीम का अगर टाइमिंग मतलब क्या है ना ख़राब करना हो तो क्या करते हैं कि हम बॉल को है ना हवा में उछाल देते हैं या स्कूप की वजह से उछालना होता है बॉल को जो एयर में डिस्टेंस कवर करता है। इसमें कम से कम 3 से 4 सेकेंड ऐसे होते हैं जो मतलब कि अपोनेंट के वो ख़राब हो जाते हैं जब हम स्कूप करते हैं, तो ठीक है। तो आइए मैं बताता हूँ स्कूप करने का क्या क्या पोजीशन है, किस तरीके से करना चाहिए, हमारे बॉडी को किस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए। तो स्कूप करने के लिए आपका ये बॉल होगा, ठीक है। और इसमें यही है कि जब आप स्कूप करेंगे तो आपका जो लेफ्ट वाला लेग है वो बॉल से है ना अलाइनमेंट में होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए और आपकी बॉडी नीचे की तरफ जाएगी। आप जितना नीचे जाएंगे उतना ही बॉल आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाएगा और जो आपका जो हॉकी का जो है ना पोजीशन होना चाहिए वो अंडर द बॉल होगा, ठीक है, अंडर द बॉल होगा और वो फिर है ना बॉल के ऊपर हल्की सी वो रोल करेगा, उसे आप रोल कराएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे ऊपर की तरफ उसे स्कूप करेंगे, ठीक है। तो आइए मैं करके दिखाता हूँ क्या होगा। ये मेरा बॉल है, ठीक है, और इस पोजिशन पर मैं हूँ और मुझे करना क्या है स्कूप, जिसे ओवरहेड भी कहते हैं इसे और एरियल भी कहते हैं। तो इस तरीके से जाएंगे और ये होगा, ठीक है, और इस तरीके से ये तो मैंने आपको बहुत ही रोक कर बताया है, ये हमने स्टैंडिंग पोजीशन बताया है, ज़्यादा मैंने अपने आप को मूव नहीं किया। मैं अभी आपको पूरा फ्लो थ्रो के साथ करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स वंस अगेन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि स्कूप का स्किल हम किस तरीके से करते हैं और इसका स्टेप क्या होता है। आप बॉल को थोड़ी सी आगे रखेंगे, ठीक है, और आप बॉल के करीब जाएंगे। जब आप ये जाएंगे आपका पैर का जो अलाइनमेंट है लेफ्ट वाले का वो बॉल के सामने होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और बॉडी को आप नीचे लेकर जाएंगे, ठीक है। जब आप नीचे जाएंगे तो आपका बॉल का जो एंगल होगा वो ज़्यादा है ना ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कि हाइट पर जाएगा और डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा वो, ठीक है। आइए मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको। मैं ये गया और ये गया, ठीक है, इस तरीके से गया और ये इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या है, इसे हम कहते हैं स्कूप और एरियल भी कहते हैं और इसे ओवर हेड भी स्किल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें हमें करना क्या है कि हमें बॉल के करीब जाना है। आप बॉल के जितना क्लोज जाएंगे कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप बॉल के क्लोज जाएंगे और जब आप बॉडी आपका नीचे जाएगा, जब नीचे की तरफ आपकी बॉडी जाएगी तो हमें बॉडी को क्या करना है ऊपर की तरफ उठाना है। जब आप बॉडी को जब आपका जो अपर बॉडी है वो पहले तो नीचे जाएगा क्योंकि हम बॉल के करीब जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से हम यूँ जाएंगे और हम ये जितना नीचे जाएंगे उतना ही फायदा। फिर हमें करना क्या है लास्ट में, हमें बॉडी को ऊपर की तरफ राइज करना है, ठीक है। जब ऊपर रेज करेंगे तो हमारा क्या है वो स्कूप जो होगा वो हमारा हाइट पे जाएगा, उसकी एल्टीट्यूड थोड़ी हाई जाएगी, ठीक है। और हमें मतलब कि हम क्या इसमें जो हॉकी में जो प्लेयर होते हैं जो स्कूप करते हैं उनका यही एम होता है कि हमें डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है हाई एल्टीट्यूड के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप जाएंगे और इस तरीके से
और आपका बॉडी जो होगा, और बॉल को हॉकी को क्या करना है, बॉल के पीछे रखना है, ठीक है, उस पर थोड़ी सी रोटेट होगा वो, उसके बाद। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा था, ये हमारा ओवरहेड या स्कूप जिसे कहते हैं वो वाला स्क्रीन था, इसमें भी आपको याद रखना है जिस तरीके से हमने फ्लिक में जो हमारा जो हैंड का जो एंगल बन रहा था 90 डिग्री, उसी तरीके से हमारा स्कूप में भी बनता है, और जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता है इसे स्पीड के लिए। तो फ्रेंड्स आज का जो सेगमेंट था हमारा, बस दो स्किल पे हमने आपको बताया है कि फ्लिक क्या होता है, या उसे जब उसे हाई टेक्नोलॉजी कहते हैं उसे ड्रैग फ्लिक भी कहा जाता है, और दूसरा जो हमारा था वो स्कूप क्या होता है, स्कूप को हम ओवरहेड या एरियल भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, थैंक यू।